अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू थ्रेड्स एंड नीडल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत पेपलम फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। तो चलें देख लेते हैं इसकी कटिंग मैंने किस तरह से की है। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रखा है और इसके तीरे के लिए 7 इंच पे निशान लगाया है और आर्म होल की लेंथ भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 इंच रखी है। 7 से 7.5 इंच तक आप रख सकते हैं। अब इसकी फिटिंग देख लेते हैं। तो इसकी फिटिंग मैंने चेस्ट से तकरीबन 9 इंचेस रखी है। ये देखिए 9 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और कमर से भी मैंने यहाँ पे 9 इंचेस पे ही एक निशान लगाया है, क्योंकि हमने चेस्ट से कमर तक बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग रखनी है। लूज फिटिंग हमने यहाँ पे रखनी है, टाइट नहीं करनी। अब जी इसकी लेंथ देख लेते हैं। पेपलम फ्रॉक की लेंथ आपको पता है कि शॉर्ट होती है। मैं जिसके लिए बना रही हूँ उनकी हाइट ज़्यादा है, तो उनके लिए बिल्कुल मुनासिब है। मैंने 37 इंच लेंथ रखी है। तैयार होने के बाद ये 36 तैयार रह जाएगी। अब जितना भी दामन था उसको मैंने स्ट्रेट करने के बाद साइड से हल्का सा कर्व में कट किया है। अब जो हमारा फिटिंग वाला कमर का पॉइंट होगा वहाँ से लेकर बाकी नीचे जितना भी कपड़ा होगा वहाँ तक हम इसको तिरछा कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अब हमने इसके नेक डिज़ाइन बनाना है और इसके सेंटर में डोरी अटैच करनी है। तो डोरी अटैच करने के लिए ऊपर से मेजर करते हुए मैंने यहाँ पर तकरीबन 13.5 इंच पर एक निशान लगाया है, जहाँ पर मेरी कमर की फ़िटिंग का निशान है। अब मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रंट साइड पे भी अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। एक निशान हमारी फ़िटिंग का ये है और दूसरा निशान इस साइड पे भी फ़िटिंग का मैंने फ्रंट साइड पे लगा दिया है। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। ये तकरीबन 17.5 से 18 इंच तक हमारा निशान होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट की है फैब्रिक की। इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 18 इंच ही रखी है और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 से 1.75 इंच रखी है यहाँ पर। ये देखें अब हमने इस पट्टी को यहाँ पर स्टिच करना है। इस पट्टी को तकरीबन थोड़ा सा हमने आगे से फोल्ड कर देना है और 1/2 इंच के करीब दोनों साइड से फोल्ड करके कुछ इस तरह से इस पट्टी को तैयार करना है। और उसके बाद जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से लेकर दूसरे फिटिंग के निशान तक हमने इसको स्टिच करना है। ये देखें दोनों साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे और जो इसके साइड्स पे फैब्रिक है वो भी हमने तकरीबन 1/2 इंच फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे और फिर इसकी डोरी भी इसके अंदर बनाएंगे। उससे पहले आप इसका नेक डिज़ाइन बना लें, फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो नेक डिज़ाइन आप कोई सा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर राउंड नेक कट की है जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है और लंबाई इसकी मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 इंच रखी है। और टिकन पर मैंने ये नेक डिज़ाइन कट करके इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और साइड से जो फैब्रिक था उसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड करके तो सिलाई भी लगा ली है। नॉर्मली जिस तरह से हम नेक डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। शर्ट के फ्रंट साइड पे हम इस नेक डिज़ाइन को रखेंगे और पहले सेंटर में एक रफ स्टिच कर लेंगे और उसके बाद टिकन के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है हमने। आप यहाँ पर बोट नेक भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सिलाई लगाने के बाद मैंने तकरीबन 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक कट कर दिया है और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। अब गले को बैक साइड पे इस तरह से टर्न कर देंगे, अच्छी तरह से इसको टर्न करके सेट कर लें और प्रेस कर लें। तो प्रेस मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब देखें आप यहाँ पर बैक साइड पर आप इसको तरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसकी तरपाई बाद में करूँगी, ठीक है। अब हम इसकी पहले बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया था उस निशान से दूसरे निशान तक मैंने सेंटर में इसको प्रेस करके एक क्रीज बना ली है। इसके ऊपर हमने ये पट्टी स्टिच करनी है। तो पट्टी भी मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1/2 इंच दोनों साइड से फोल्ड करके प्रेस कर देना है, तो ये पट्टी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। और प्रेस करने के बाद इसकी कितनी चौड़ाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप ये देखें कि इसको मेजर करें, अगर 1 इंच से हम इसको मेजर करें तो तकरीबन 1.5 से 1.75 इंच तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इतनी ही चौड़ी आपको पट्टी चाहिए जो हमने यहाँ पे स्टिच करनी है। अब हम आगे वाली साइड से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो जो हमारा पॉइंट हमने लगाया हुआ है फिटिंग का बिल्कुल उसके ऊपर रख के हमने इसको स्टिच करना है, ऊपर से भी स्टिच करना है और नीचे से भी, और दूसरे पॉइंट तक हम इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से स्टिच करना है। ये देखें ऊपर से इसको तकरीबन 1/2 इंच हमने इसको फोल्ड कर देना है और जो हमारा निशान है और क्रीज जो हमने बनाई है उसके बिल्कुल सेंटर में हमने इसको रखना है। अब हम इसके एक साइड पे पहले सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से डबल करके सिलाई लगा लें ताकि सिलाई टूटे ना।
ये देखिए आप बिल्कुल इस पट्टी के किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, और आपने ये ध्यान रखना है कि जो क्रीज हमने बनाई है बिल्कुल उसके सेंटर में इस पट्टी को रख के हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पे फिटिंग के निशान तक हमने इस पट्टी को स्टिच करना है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको कट कर दें, और बाकी तकरीबन हाफ इंच के करीब पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से रखना है और फिर यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो यहाँ से भी कपड़े को घुमा के अच्छी तरह से सिलाई को पक्का कर दें। अब इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है, तो इस तरफ से भी अच्छी तरह से एक डबल सिलाई लगा लें ताकि ये पक्का हो जाए। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पट्टी के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ तक हमने इस पट्टी को स्टिच कर देना है, और यहाँ से भी अच्छी तरह से एक डबल सिलाई कर लें। ये देखें इतनी बस हमने सिलाई करनी है, और उसके बाद हम फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें ये पट्टी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दी है फ्रंट साइड पे, और आप इसको देख सकती हैं कि मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे भी सिलाई लगाई है और नीचे वाली साइड पे भी सिलाई लगाई है, लेकिन साइड से मैंने इसको ओपन रखा है क्योंकि यहाँ से हमने अपनी डोरी अंदर डालनी है। ठीक है, तो ये पूरी पट्टी फ्रंट साइड पर मैंने स्टिच कर दी है। अब मैं बैक साइड पर भी स्टिच कर दूँगी। तो ये देखें ये बैक साइड पे भी मैंने पट्टी स्टिच कर दी है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इस साइड से भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से भी मैंने इसको ओपन रखा है और दूसरी साइड से भी मैंने इसको ओपन रखा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे शोल्डर भी स्टिच कर दी है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे, तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.5 इंच रखी है, और लंबाई आप इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी लंबी आप डोरी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लेंथ ले लें। अब यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करके तकरीबन 1 पाँव के फासले पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है क्योंकि हमने यहाँ पे डोरी बनानी है। तो ये देखें सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इस डोरी को बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये मोटी वाली सुई ली है, और इसमें डबल करके धागा डाल लिया है। धागा भी मैंने मोटा वाला यूज़ किया है, और इसके लास्ट में मैंने एक नोट बना लिया है। अब हमने बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा टांका लगाना है, ये देखें इस तरह से। अब नीडल की बैक साइड में इसके अंदर डाल रही हूं, ये देखें इस तरह कुछ। इस पूरी पाइपिंग के अंदर से हमने नीडल को पास करना है। ये देखें कुछ इस तरह से हमने इस पाइपिंग में से नीडल को पास करना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक नीचे की तरफ करते जाएं तो नीडल हमारी ऊपर आती जाएगी। और अब यहां से हम नीडल को बाहर निकाल लेंगे और पाइपिंग को नीचे की तरफ करेंगे, ये देखें इस तरह। अब पाइपिंग को हमने टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए मैं कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, और इसको दोनों एंड से हमने पकड़ना है। नीडल वाली साइड से भी इसको ज़ोर से पकड़ लें, और जो इसका दूसरा एंड है वहाँ से भी इसको पकड़ लें, और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा नीचे की तरफ करते जाएं। ये देखें इस पॉइंट से मैं इसको पकड़ूंगी, और इसको ज़ोर से हमने खींचना है ताकि पाइपिंग अंदर की तरफ से टर्न हो। ये देखें इस तरह से कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ करते जाएं, और दोनों एंड से पकड़ के इसको खींचें तो डोरी अंदर की तरफ खींचती जाएगी कुछ इस तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने नीचे की तरफ करना है और फिर इसको खींचना है। अगर आप ज्यादा कपड़ा एकदम से नीचे कर लेंगे तो वो डोरी फिर अंदर फंस जाएगी और फिर निकलेगी नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे करते जाएं और डोरी को ऊपर की तरफ खींचते जाएं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोरी हमारी ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ गई है। अब इस पूरी पाइपिंग में से मैंने डोरी को बाहर निकालना है। तो ये देखें, इस पॉइंट पे अब डोरी हमारी बाहर की तरफ आ रही है। अब बाकी नीचे जितनी भी डोरी है उसको खींच के भी बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से बस फैब्रिक को नीचे की तरफ करते जाएं तो बहुत आराम से ये हमारी डोरी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो जब तक मैं ये डोरी बाहर निकाल रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी डोरी बाहर आ गई है और लंबाई भी आप देख लें कि मैंने कितनी ज़्यादा रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इस साइड से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर दें। अब लटकन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक की एक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 4x4 इंच रखी है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और एक दफ़ा और इसको मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी तो ये एक स्क्वेयर पीस बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसको शेप देनी है, तो शेप मैं यहाँ पे इसको हल्की सी कर्व शेप दे रही हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है और अब इसको यहाँ पे कट करना है। तो जो निशान मैंने लगाए हैं बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर मैं इसको कट कर रही हूँ, तो ये एक सर्कुलर शेप बन जाएगी खोलकर। अब हमने इसको सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देना है। ये देखें, कुछ इस तरह से। तो ये हमारी दो लटकन्स तैयार हो जाएंगी इस तरह। अब हमने इसको डोरी के ऊपर स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से डोरी के सेंटर में रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पीसेस मैंने कट कर ली हैं, अब हम इसको डोरी पे स्टिच करेंगे। देखें, इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ से थ्रेड को कट कर दें और जो एक्स्ट्रा डोरी थी ऊपर की तरफ उसको कट कर दें और इसको टर्न कर लें। तो टर्न करने के बाद ये एक लटकन हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ से तकरीबन 2 इंच के फासले पे मैं एक निशान लगाऊंगी दूसरी लटकन के लिए। अब यहाँ पे भी इस तरह से हमने फैब्रिक को नीचे की तरफ रखना है और इस तरह डोरी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको यहाँ पे स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से। यहाँ पे भी आप थोड़ी सी डबल सिलाई कर लें ताकि अच्छी तरह से ये डोरी पक्की हो जाए। ये देखें, तो ये दूसरी लटकन भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दी है, इसको भी आप टर्न कर लें। तो ये दो लटकन मैंने यहाँ पे लगाई हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 लटकन लगानी है। तो दूसरी लटकन के लिए भी यहाँ पे मैंने 2 इंच के फासले पे निशान लगाना है। आप इसका गैप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये देखें, मैंने यहाँ पे ये 4 लटकन एक साइड पे स्टिच कर दी हैं और दूसरी साइड पे भी मैंने यहाँ पे इसको स्टिच नहीं की। अब पहले हम एक साइड से डोरी को अंदर की तरफ डाल लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन ली है, ठीक है। तो जो इसकी दूसरी साइड है जहाँ पे अभी हमने लटकन नहीं लगाई, वहाँ से हमने इसको पहले अंदर डाल लेना है। ये देखें, इस तरह मैंने एक एंड पे सेफ्टी पिन लगा दी है। अब पहले एक साइड पे मैं इसको इस तरह से डाल रही हूँ। ये देखें, इस साइड से हम डोरी को बाहर निकाल लेंगे। और इसको खींचेंगे यहाँ पे। ये देखें, तो ये एक साइड पे लटकन्स लगे हुए हैं। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ये लटकन्स लगा के डोरी तैयार कर लेंगे। आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डोरी के दोनों एंड पे इस तरह से 4-4 लटकन्स लगाए हैं। ये फ्रंट साइड है इसकी, और बैक साइड पे भी हमने इसी तरह से डोरी लगानी है और दोनों साइड पे इसके भी मैंने लटकन्स लगाए हैं इस तरह। ये देखें, ये इसकी एक साइड है और ये देखें, ये इसकी दूसरी साइड है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए मैं फ्रॉक को पहले उल्टा कर लूँगी। फ्रॉक को मैंने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ से पकड़ के दोनों एंड्स को और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
तो फिटिंग की सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो डोरी है उसको आपने अंदर की तरफ कर देना है, वो सिलाई के दरमियान में नहीं आनी चाहिए। और फिटिंग के जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उस निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस पेपलम फ्रॉक की फिटिंग मैंने यहाँ पे लूज़ रखी है, कोशिश करें आप इसको लूज़ ही रखें, क्योंकि जो हमने डोरी यहाँ पे लगाई है उससे आप फिटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको लूज़ फिटिंग में ही रखना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम फिटिंग कर लेंगे। इस साइड से भी आपने ध्यान रखना है कि जो डोरी है उसको अंदर की तरफ आपने कर देना है, वो सिलाई के दरमियान में नहीं आनी चाहिए। और जो आपने फिटिंग का निशान लगाया बिल्कुल उस निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब साइड से आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमारी डोरी किस तरह से बाहर आ रही है और ये लटकन्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। दूसरी साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब आप इसको टाइट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी भी फिटिंग आप रखना चाहते हैं इसको यहाँ से आप खींच लें और अपने हिसाब से जितनी भी आपने इसकी फ़िटिंग करनी है या जितना भी इसको टाइट करना है, चुन्नट डालनी है, आप उस हिसाब से डाल लें और साइड पर आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब पेपलम के नीचे से घेरा फोल्ड कर लेंगे। तो इसको फ्लेयर देने के लिए मैं इसको बहुत पतला सा फोल्ड करके इसको सिलाई लगाऊंगी। ये देखें कुछ इस तरह से। बहुत बारीक किनारा मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ ताकि इसका बहुत अच्छा फ्लेयर आए। अगर आप इसको मोटा फोल्ड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा झोल भी आएगा और चुन्नट भी आएगी, क्योंकि नीचे से जो हमारा दामन है वो हल्का सा कर्व शेप में है। तो बहुत पतला सा किनारा हमने इसका फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और पूरा दामन मैंने यहाँ पे इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखें बस इतना चौड़ा हमने इसको रखना है, इससे ज़्यादा चौड़ा हमने नहीं रखना क्योंकि फिर फ्लेयर इसका ख़राब हो जाएगा। ये देखें अब पेपलम हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम इसके स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है नॉर्मली जिस तरह से स्लीव्स की कटिंग करते हैं। और ये देखेंगे इसकी आगे वाली साइड है, इसकी चौड़ाई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी, बस मुनासिब सी रखी है। अब हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले आप मशीन का बखा फुल बड़ा कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे पफी स्लीव्स बना रही हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पे धागा खींच के चुन्नट डालनी है। आप चाहें तो हाथ से भी चुन्नट डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से धागे को खींचते जाएं और ये थोड़ी थोड़ी सी चुन्नट यहाँ पे डल जाएगी। मैं बहुत कम चुन्नट वाले पफी स्लीव्स बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चुन्नट वाले पफी स्लीव्स पसंद करते हैं तो फिर आप स्लीव्स की आगे से चौड़ाई ज़्यादा रखिएगा। मैंने चौड़ाई बस मुनासिब सी रखी है क्योंकि मुझे ज़्यादा चुन्नट नहीं चाहिए। तो इक्वली इसमें चुन्नट डाल के इसको सेट कर लें। और चुन्नट डालने के बाद इसकी लंबाई यहाँ पे तकरीबन 9 इंच होनी चाहिए। और अब यहाँ पे मैं एक फैब्रिक की पट्टी यूज़ कर रही हूँ, इसकी लंबाई भी मैंने 9 इंच रखनी है। जितनी आपकी स्लीव्स चुन्नट डालने के बाद तैयार होंगी उतनी ही लंबी आपने पट्टी लेनी है। और चौड़ाई इसकी मैंने तकरीबन 2 इंच रखी है। अब इस पट्टी को हम स्लीव्स के नीचे रखेंगे और यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे। और ये वाली सिलाई आपने नॉर्मल बखे से लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से इस पट्टी को खोल लेंगे और खोल के अब इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इतना पतला मैंने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसको ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत लाइट लाइट सी चुन्नट वाले ये स्लीव्स आपके तैयार होंगे।
तो सिलाई लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लीव्स की कुछ इस तरह से लुक आएगी। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लें। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं स्लीव्स ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद ये है पेपलम फ्रॉक की फाइनल लुक। डोरी और लटकन्स के साथ हमने ये पेपलम तैयार किया है और पहनने के बाद बहुत स्टाइलिश लगता है। और इसके साथ मैंने एक लूज प्लाजो स्टिच किया था, उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।